जो राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश और गुजरात में हुआ, वही अब कानपुर पहुंच गया है। जी हाँ, पत्थरबाजी, वही तस्वीर दिखी कानपुर में, जहां अल्पसंख्यक समुदाय ने पुलिस कर्मियों पर पत्थर बरसाए, पुलिस कर्मियों से भिड़ंत की, पुलिस पर पथराव किया गया और अंधाधुन पत्थर फेंके गए। अब तनाव का कारण भी जान लें। कानपुर के परेड चौराहे पर जुमे की नमाज के बाद बाजार बंद कराने निकले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पथराव किया। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर पथराव किया गया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। बाजार बंद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। यतीम खाना चौराहे के पास पथराव हुआ। ये बाजार बंद नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में था। दरअसल नुपुर शर्मा बीजेपी प्रवक्ता ने कैसा बयान दिया जिसके बाद मुस्लिम संगठन गुस्से में थे। इसके बाद दोनों गुटों में हिंसक झड़प हुई और दो लोग घायल भी हुए। बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा पैगंबर साहब को लेकर टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान दिए गए विवादित बयान पर मुस्लिम पक्ष ने जुमे की नमाज के बाद दुकानें बंद कराने का ऐलान किया था। जब दूसरे धर्म के दुकानदारों ने दुकान बंद करने से मना किया तो इसको लेकर विवाद बढ़ा और इस बीच नमाज अदा कर निकले लोगों ने शामिल को शरारती तत्वों ने यतीम खाना रोड के पास स्थित चंद्रेश का हाथा में घुसकर पथराव किया। और फिर तस्वीर वही थी राजस्थान का करौली, जोधपुर, मध्य प्रदेश और गुजरात। लेकिन पत्थर फेंकने वाले कौन थे? क्या ये पत्थरबाजी सुनियोजित थी? अब सवाल बड़ा है, लेकिन देखना होगा कि अब योगी आदित्यनाथ इस मामले पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि योगी के राज्य में और योगी के राज में हिमाकत पत्थर फेंकने की गई है। अब इस पर योगी का एक्शन क्या होगा, ये देखना होगा।